हमारा प्रिय मित्रों, सुबह संदेश का नया दिन के लिए पाप से घायल में जो पड़ा था, हाथों से अपने उठा लिया। पाप से घायल में जो पड़ा था, हाथों से अपने उठा लिया। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी ब्रह्म आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री उसका 3:14-16 पद। इफिसियों का पत्री 3:14-16। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने फितरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। पिछले सप्ताह में हम लोग मनन कर रहे थे कि इस 3 उसका 14-21 पद तक जो है पौलुस का एक प्रार्थना है, और इफिसियों का पत्री में पौलुस का दूसरा प्रार्थना है, और पहला जो प्रार्थना है उसका पहला अध्याय 15-15 हम लोग देख सकता है, और ये पौलुस का दूसरा प्रार्थना हम लोग इधर देख सकता है। और इधर पौलुस प्रार्थना करते इन विश्वासियों के लिए, उसकी आत्मिक सक्षमता के लिए वो प्रार्थना करते हैं। और कैसे पौलुस प्रार्थना करते हम लोग देखता है, उस पिता के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। परमेश्वर सबका सृष्टि करता है और उस अर्थ से वो सबका पिता है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। परमेश्वर सबका सृष्टिकर्ता होने का वजह से वो सबका पिता है, लेकिन हम परमेश्वर को पिता बोलकर पुकारते हैं। हम विश्वासी लोग परमेश्वर को पिता बोलकर पुकारते हैं, इसका मतलब है वो हमारा पिता है, आत्मिक पिता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के परमेश्वर को आज पिता बोलकर, अब्बा पिता बोलकर पुकार कर उसके सन्नू में आने के लिए परमेश्वर हमें अधिकार और हियाव दिया है। और 16 पद में हम लोग देखता है पौलुस इधर प्रार्थना करता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। इधर पौलुस प्रार्थना करता है विश्वासी लोग उसका भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य और ताकत पाने के लिए और उसमें बलवंत होते जाने के लिए पौलुस प्रार्थना करते हैं। पौलुस का प्रार्थना का विषय जो है आत्मिक है, कोई भी शारीरिक विषय के लिए या सांसारिक विषय के लिए पौलुस प्रार्थना नहीं करता है, और पौलुस आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करता है। और इन विश्वासी एफिसुस का विश्वासियों का प्रति पौलुस का यह प्रार्थना और उसका जो चिंता है कि ये लोग आत्मिक तौर पर उसका भीतरी जो मनुष्यत्व है वो बलवंत होते जाओ। बहुत बार विश्वासी लोग अपने शरीर के लिए सोचते हैं और बाहर की मनुष्यत्व जो है वो बलवंत होने के लिए सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हमारा जो अंदर का जो मनुष्य है, भीतरी मनुष्यत्व है, वो बलवंत होना है। इब्रानियों का पत्री 5 उसका 12-12 हम लोग पढ़ने से उधर उन विश्वासियों का अवस्था हम लोग देख सकते हैं। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चे को तो धर्म के वजन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी
ज्ञानेन्द्रियों अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हमारा जो बाहर का जो शरीर का बल और चंगाई हम लोग चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमारा जो आत्मिक जो मनुष्य है, हमारा भीतर का जो मनुष्य है, और उसके बारे में हम लोग सोचना है। सही तौर पर हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होता है क्या? प्रभु में हम लोग हर दिन हम लोग बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ोतरी हमारा जीवन में होता है। और इधर इब्रानियों में पढ़ा है, इधर लेखक बोलता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। अभी ये लोग उद्धार पाने के बाद में अभी बहुत साल हो गया है, इतना समय हो गया कि वो दूसरों को परमेश्वर का वचन सिखाने लायक बनना चाहिए। लेकिन उनके बारे में उधर कहता है कि अभी भी वो लोग सिर्फ गुरु हुआ नहीं है, सिर्फ उतना नहीं है, अभी भी परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा वो उनको सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसको आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी नहीं होता है। और विश्वास में आने के बाद 2 साल 5 साल 10 साल होने के बाद भी दूध पीने वाला बच्चा का जैसा है, परमेश्वर का वचन सही रीति से उसको समझ नहीं सकता है। अभी भी उनको परमेश्वर के वचन का आदि शिक्षा चाहिए, गंभीर बातों को नहीं समझ सकता है। और हमारा अवस्था कैसे है, आज हम अपने आप को हम लोग परखेंगे। उद्धार पाने के बाद में कितना साल हो गया, कितना दिन हो गया है, और उसके बराबर हमारा जो बढ़ोतरी आत्मिक तौर पर होता है क्या? परमेश्वर का वचन के लिए हमारा रुचि कितना है, और आत्मिक तौर पर हमें बढ़ोतरी होता है क्या, या हम आत्मिक तौर पर कमजोर है? आज बहुत सारा विश्वासी लोग ऐसे हैं, आत्मिक तौर पर कमजोर होने का बावजूद भी उसका कमजोरीपन को नहीं समझता है। ऐसा हमारा जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। ज्यादातर विश्वासियों का जीवन में हम लोग देखता है, उनको वजन सुनने के लिए इच्छा नहीं होता है, और आत्मिक तौर पर वजन के लिए एक भूख उसका नहीं है। हम लोग बढ़ना है तो जरूर हम लोग खाना खाना चाहिए, और उसी प्रकार आत्मिक तौर पे अगर बढ़ना है तो आत्मिक भोजन अर्थात परमेश्वर का वजन हम लोग समझना है और सीखना है, और उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करना है। नए से जन्म होने वाले एक बच्चा को हम लोग देखने से वो दूध के लिए रोता है, दूध के लिए वो तड़पता है। इसी प्रकार आत्मिक तौर पर दूध के लिए या भोजन के लिए हम लोग तड़पता है क्या? परमेश्वर की वजन के लिए हम लोग भूखा है क्या? अगर परमेश्वर का वजन के लिए हमारे एक इच्छा नहीं है, उसके लिए भूखा नहीं है, तो कुछ गंभीर समस्या है। पहला जो कारण ये हो सकता है कि उसका उद्धार ही नहीं हुआ है। बहुत सारा लोग है जन्म से जो बोलता है हम लोग मसीही है, मसीही परिवार में हमारा जन्म हुआ और इसलिए हम मसीही है, और दूसरा बहुत सारा ऐसा लोग है जो अलग अलग कारण से मसीही बन गया, किसी का चंगाई हुआ, किसी का दूसरा कुछ हुआ, और इसके वजह से वो मसीही बन गया। लेकिन ऐसा कोई मसीही नहीं हो सकता है, और उद्धार के अनुभव उसका जीवन में नहीं होता है। अगर सही रीति से उद्धार के अनुभव नहीं है तो परमेश्वर का वचन के लिए वो इच्छा और उसका भूख नहीं होता है। इसलिए आज मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन लोग अपने आप को जो परखना है कि मैं सही रीति से उद्धार पाया है कि नहीं है, और वजन के लिए भूख नहीं होने का जो दूसरा जो कारण है वो उद्धार तो पाया है लेकिन आत्मिक तौर पर बीमार हो सकता है। हमें मालूम है बीमार होने से, कुछ बुखार आने से हमें भूख नहीं लगता है, और इसी प्रकार आज बहुत सारा लोग विश्वासी लोग जो है वो आत्मिक तौर पर बीमारी है। इसलिए उस बीमार का इलाज सबसे पहले करना जरूरी है, अगर उसका इलाज नहीं करेगा तो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। इसलिए आज हम अपने आप को परखेंगे कि सही रीति से उद्धार मेरा हुआ है
या और आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी होता है क्या? और पौलुस इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि उसका भीतरी मनुष्यत्व जो बलवंत हो जाए, उसमें ताकत पाए और आत्मिक तौर पर बढ़े। हमारा जीवन में भी आत्मिक तौर पर हम लोग बढ़ने के लिए, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में ताकत पाकर आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।